ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 19/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जब भी समय मिले एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं, हम तो बाबा के ही हैं। बाबा का मान लिया, बाबा को हमारा मान लिया, तो बस याद में नहीं रुकते कि हम तो बाबा के ही बन गए हैं। याद की मेहनत नहीं करती, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़फती हैं, दिन रात याद करती हैं, जिनको जो बांधेली माताएं हैं, जो परेशान हैं, जो गुब्जाएं हैं, तो वह तड़फती है ना, याद करती हैं, दिन रात याद करती हैं। ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो बाबा के ही हैं तो हमें याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे ही निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, आत्मा तकदीर जगा कर आई है ना। ओम शांति, बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। हम तो इस तन को धारण कर आत्माएं कर्म में आती है ना, बोल में आती हैं, तो आत्माओं का शांत स्वरूप ही है। बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, मूल गुण आत्मा का शांति। परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है, तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता, मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, अवतरण लेना हूँ। तो बाबा तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर के फिर इस रथ में प्रवेश कर मनुष्य आत्माओं को, जीव आत्माओं को अपना परिचय देकर सचखंड की स्थापना करने में अपने बच्चों का ही मदद लेकर के, सहयोग लेकर के फिर परमात्मा सचखंड की स्थापना करते। इस आदि मध्य अंत का ड्रामा समझाते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा। तो यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म पतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है, यह हमने उधार लिया है। लीज पर कहो, उधार कहो, या थोड़े समय के लिए कहो, लेकिन इस तन को जो है उधार लिया है, उसमें बैठे नहीं। फिर ऐसे भक्ति मार्ग में बैल पर सवारी दिखा देती हैं, तो कोई भगवान जिसे हम मानते हैं या जानते थे कि भक्ति काल में हम भगवान उन्हें कहते थे, जो कैलाशपुरी पर रहने वाले को, तो ये तो परे थे, परे परम आत्माएं, पर प्योर, जो कभी अनप्योर होने का चांस ही नहीं, क्योंकि अशरीरी आत्मा। तो अशरीरी आत्मा को, परमात्मा को शरीर नहीं है, वह तो अवतरण स्तन को लेते हैं, तो उधार लेते हैं, थोड़े समय के लिए लेते हैं। जब उनका ड्रामा पार्ट पूरा हो जाता है तो वो शरीर छोड़ निर्वाण धाम शांति धाम में चले जाते हैं। तो ये उनका शरीर नहीं है, ये तो कृष्ण की आत्मा का शरीर है ना, ब्रह्मा जो यहाँ है, ब्रह्मा, तो उनका तन का आधार लेते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से कि कुछ पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो, हाँ, शंकर से अगर पूछेंगे तो पूछ तो नहीं सकते, वहां तो शरीर नहीं, सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म शरीर वहां, ये बोलते शरीर से तो नहीं होते। तो बाबा कहते वहां, हाँ, पूछ तो नहीं सकेंगे, लेकिन समझो सूक्ष्म बतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है, यह हमने उधार लिया है।
क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। बिना कर्मेंद्रियों के आधार के मैं जीवात्माओं को, मनुष्य आत्माओं को नहीं समझा सकता, ना ही राज बता सकता, ना ही अपनी पहचान दे सकता। कच्छ मच्छ में, मूर्तियों में, पेड़ पौधों में यदि आ जाएं तो फिर हम कैसे समझेंगे? उनको भी तो मुख नहीं है ना। तो इसलिए ब्रह्मतन का आधार लेते। पहली मुख्य बात है समझाने की, पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पहले वह प्रिंस सत्व प्रधान अवस्था में कृष्ण प्रिंस बनते हैं, वह भी सतयुग में। तो वह कोई भी आत्माओं को पतित पावन नहीं बना सकते, वह तो खुद यहाँ बैठ पतित से पावन बन रहे हैं। तो उनमें भी यह ज्ञान नहीं है, वह तो स्वयं ईश्वर का बच्चा है, भगवान का बच्चा। तो रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। अब आप अपना लौकिक नाम बता सकते हैं, अपना थोड़ा ना थोड़ा जो भी सरनेम बता सकते हैं, माता पिता का नाम बता सकते हैं। बाकी जो रियलिटी आपके माता पिता आपके बारे में जानते होंगे, कुल खानदान कहाँ से, कैसे, कब, कहाँ आए, तो यह सब बातें तो आप नहीं बता सकते हैं ना। तो यही बात तो रचता के अलावा कोई बता ही नहीं सकता कि संसार का रचता बाप जो जानता है, जो नॉलेज भरी है, हम आत्माओं का वो रचना के बारे में ही जानेगा, और कोई नहीं जान सकता। तो बाबा कहते हैं जो रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। और श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, वह रचता नहीं है। तो बाप ही आकर ज्ञान देते हैं, अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, ह्यूमैनिटी का क्रिएशन इनके द्वारा क्रिएट करा रहे हैं, वो क्रिएटर डायरेक्टर ऊपर बैठने वाला परे जो बैठा हुआ है रचता बाप। तो क्रिएशन नई दुनिया का क्रिएट कराने वाला और इनके द्वारा कराने वाला स्वयं भगवान ईश्वर है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म बतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। बाबा कहते हैं ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है, वह कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा को विष्णु बनने के लिए यह संगम युग काफी है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु से ब्रह्मा बनने के लिए उन्हें 84 जन्म लेने पड़ते हैं, और इसी अंतिम समय में उनका रोल है ना ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, उनका दिन और उन्हीं का रात गाया हुआ है ना। आधे कल्प में सुख और आधे कल्प में दुख, तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। सरस्वती जगत अम्बा जगत माँ नाम सुना, तो वो यहाँ ही है, ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है समझने के लिए। लेकिन किसी भी देवी देवता की 4 भुजाएं होती नहीं है, वह तो आगे 2 भुजा ब्रह्मा के, पीछे जो है सॉरी नर की, नारायण लक्ष्मी नारायण की ना। तो आगे लक्ष्मी को खड़ा करेंगे, 2 दिखाएंगे, और पीछे नारायण को, तो 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, तो इकट्ठे दिखाते हैं, तो 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसा किसी का होता नहीं है। कहते हैं 4 भुजाएं दी हैं, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया गया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है।
इनका असल नाम लखी राज था ब्रह्मा बाबा का, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा, वह भी स्वयं शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती, राधे माँ का नाम सरस्वती, एडॉप्टेड बच्ची। तो सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, शरीर रूपी पिता अपने अपने अलग अलग थे, अभी वह नहीं है, यह शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन, है ना, ये कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली, एडॉप्टेड। जैसे किसी भी गरीब बच्चे को कोई एडॉप्ट कर लेता है तो वो उसका नाम, उनकी शान, उनका प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है ना, उसका ही नाम पिता का उसके आगे जुड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से एडॉप्टेड चिल्ड्रन, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है, बड़ी माँ ब्रह्मा, है ना, कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे गाते हैं ना, तो तुम ब्राह्मण आकर बालक बनी हो, इनमें समझने की बुद्धि घड़ी घड़ी अच्छी चाहिए, शुद्ध व्यर्थ से मुक्त तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है, और हम सभी ने शास्त्रों आदि में रचनाओं को रचता समझ लिया, जबकि रचता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बेहद का बाप। बाबा कहते ज्ञान का सागर एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है, आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ज्ञान सागर बनती है लेकिन ज्ञान का सागर वरदाता विधाता नहीं, मास्टर वरदाता विधाता, मास्टर ज्ञान सागर कह सकते हैं, बाप के बच्चों के आगे मास्टर लगता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है लेकिन शेर नहीं बन सकता, है ना, तो वो उसका बच्चा ही कहलाएगा। इसी तरह से हम भी सर्वशक्तिमान के मास्टर सर्वशक्तिमान हो सकते हैं लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, है ना। बाबा कहते हैं परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है, तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है, तो इसीलिए मेन सागर जो ज्ञान सागर है ब्रह्मा तन का में आते हैं, तो इनका ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है क्योंकि उनका सागर के साथ कनेक्शन है, तो यहाँ ब्रह्मा तन में सागर आकर के बैठा है उनके प्रकृति तख्त पर, है ना, तो फिर उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है नदियों का इन सागर और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में। सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड हैं, समझ रहे हैं, यह है चैतन्य, वह है जड़, चैतन्य आत्मा और वह है शरीर जड़, तो शास्त्रों में नहीं है, बाबा यह सब बैठ बाबा समझाते हैं या बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग, आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर पाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं, और वह सब जो शास्त्र हैं भक्ति काल हैं वह तो अनुज है, है ना, काका चाचा मामा है, वह उनसे वर्षा नहीं मिलता और बाप से ही वर्षा मिलता है जो सबका सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं, बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम ही पुजारी मनुष्य हैं।
फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। 16 कलाओं में जब संपूर्ण निर्विकारी होते हैं तभी देवता बनते हैं, बाद फिर वो मनुष्य ही कहलाते हैं। उन्हें देवता नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी जो विकारों में आने से उनको देवता कह नहीं सकते। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ब्राह्मण सुदेवता धर्म में पहला डिटिस्म धर्म में आए, फिर क्षत्रिय और वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना ही पड़ता है, सीढ़ी तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, कोई लिफ्ट तो होती नहीं तो फिर नीचे ही सीढ़ी उतरते हैं, उतरना ही पड़े। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह भी तुमको बाप ने ही बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांधे लिया योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। जो छूट चुके हैं ना, जो बंधन मुक्त हैं, जो बाप की निरंतर सेवा में है, बाप के घर में बैठे हैं, वह उनसे भी बांधेलियां योग में अच्छी हैं। बाबा कहते हैं वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़फती हैं, तो कितना ना याद सताती होगी। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। सोचते हैं हम तो बाप के घर में ही बैठे हैं तो बाप के तो बन ही गए, बाप का वर्षा तो हमारा ही हो ही गया, यह निश्चय कर लेते हैं और याद में नहीं रुकते। बाबा कहते तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़फती है, तुम तड़फते नहीं हो, है ना, क्योंकि घर में हो, तो उन्हों का घर बैठे भी उच्च पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़फता है, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं, तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, यह अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही ना, भल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, क्योंकि साहूकार भल धन से कितना भी धनवान हो लेकिन वह बैठे बैठे कब शरीर को त्याग दे पता नहीं चलता, अटैक आ जाए, कुछ हो जाए, है ना, तो जल्दी मृत्यु हो जाती है, अकाले मृत्यु। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी सत्व प्रधान अवस्था और ये प्रकृति भी सुख देने वाली है, पांच तत्व भी सुख देने वाले, तो इस तरह का कोई भी वहां मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं। गोल्डन एज होती है, समय पर बैठे बैठे आपे ही जो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुख धाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया, तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं। कई कई समझते ऊपर में स्वर्ग है, ऊपर में ये तन को लेके आप बादलों में टिकेंगे ऊपर कहीं, तो नीचे पट से गिर नहीं पड़ेंगे, ये शरीर को लेकर कोई ऊपर उड़ सकता है। जो फेरी की कहानी बताई है वह भी आत्माएं उड़ती हैं, फरिश्ता स्वरूप बनकर आत्मा ही उड़ती है, शरीर के साथ कोई ऊपर उड़ नहीं सकता। हाँ, भले ये कृत्रिम मशीनरी आ गई है उसके थ्रू आप थोड़े समय के लिए उड़ सकते, लेकिन वहां दुनिया में यह तन को लेकर नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग कहीं और जाना है, लेकर स्वर्ग को ही यहाँ आना है। जब ये दुनिया विकारों से मुक्त हो जाएगी, सत्व प्रधान कर्मातीत बन जाएगी, ये प्रकृति कर्मातीत सत्व प्रधान अवस्था में आ जाएगी, प्रकृति
का बदल परिवर्तन ही दुनिया का जो है वो सत्य है। तो जब यह सब कुछ सतो प्रधान हो जाएगा निर्विकारी, तो यहाँ ही स्वर्ग हो जाएगा। बाबा कहते हैं यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, ये चार वर्ण, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, यह शिव बाबा ही बैठ सम्मुख हो बच्चों को समझाते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा सुनाते हैं। और धारणा के लिए तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है, जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छी चाहिए, मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे माता। बाबा कहते यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो काम चिता से उत्तर गोरे बनने के लिए, तो काले और गोरे, श्याम और सुंदर। जब देवी देवता होते हैं तब 16 कलाओं में संपूर्ण निर्विकारी होने की वजह से विकारों से मुक्त होते हैं, तो उन्हें फिर गोरे कहते हैं। और जब द्वापर में जो वाम मार्ग में गिर देवताएं ही कामचिता पर बैठ काले बनते हैं, तो वह मनुष्य जो है काले बन जाते हैं, विकारों में ग्रस्त हो जाते हैं ना। तो इसीलिए फिर ये काले गोरे का बाबा ने इसमें हमें रियल बात बताई है कि काला और गोरा क्या है। बाबा कहते हैं इस तरह से अभी कामचिता से उतर गोरे बनेंगे, है ना, बनने के लिए बैठे हैं ना योग में। तो द्वापर से लेकर कामचिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। जो शादी विवाह का बंधन होता है तो वह तो कन्या को विकार में ही जाना होता है ना, तो उसका हथियाला शादी विवाह का जो कार्य कराते हैं जो ब्राह्मण, तो वह हथियाला किस बात के लिए बांधते हैं, विकारों में जाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण, खुद तो निर्विकारी बन, औरों को भी निर्विकारी बनाने का रास्ता, बनने का रास्ता बताते हैं। तो तुम वह कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो, काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते हैं भले कच्चे रहो परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं, शिव बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राज राम की बात नहीं है, जो गांधी जी करते थे ना, रघुपति राघव राज राम चरखा चलाते थे, लेकिन उनको यह तो नहीं पता था ना कि वह चाहते थे विश्व पर शांति हो, लेकिन फिर शांति का तो नॉलेज चाहिए ना, तो नॉलेज तो सिवाय निराकारी शिव परमात्मा के कोई दे नहीं सकता कि शांति चाहिए, तो कौन से राम को याद करना है और क्या क्या आपको रीति अपनानी है, क्या क्या आप में धारण होना है। हाँ, तो ये सब बातें नॉलेज आत्मा का, ज्ञान का, इस संसार का, इस जो संसार सार वाला था तब सुखी था, और अब ये संसार में सार ही नहीं बचा, तो ये विषय वैतरणी नदी हो गई है। जिसे हम अपना समझ बैठे वह हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं है वही हमारा है, जो हम इन सूक्ष्म नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं वो सब कुछ हमारा है, और जो हम इन स्थूल नेत्रों से देख कर छू कर और पहचान पा रहे हैं वह हमारा नहीं है। अब ये शरीर भी तो हम 24 घंटे निरंतर हर हाल में देखते ही हैं, लेकिन यह जब शरीर ही खुद का नहीं है तो फिर और इन स्थूल नेत्रों से हम जो भी देख रहे हैं वह कैसे हो सकता है हमारा, है ना। तो यह धन आदि ये जो भी है वह सब भी तो जब तक ये आत्मा तन में है तब तक के ही नजारे हैं, फिर जैसे ही इस तन को आत्मा ने छोड़ा फिर ये नजारे खत्म हो जाते हैं, फिर अगर जन्म हुआ तो फिर यही नए सिरे से, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है,
उसने संगम पर ही यह प्रारब्ध पाई थी, उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है। संगम पर ही प्रारब्ध पाई, लेकिन फिर उनको जो हिंसक बाण आदि दिखा दिए, तो देवताओं को तो कभी भी यदि आप वो राजा राम के हाथ में जो धनुष बाण आदि दिखाते तो हिंसा तो करने का कोई भगवान करते ही नहीं है ना, और ना ही भगवान सिखाते। और अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, तो देवी देवताओं के हाथ में फिर धनुष बाण और ये सब दिखा दिए है ना, वो थोड़ी ना हिंसा करेंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो यहाँ ही प्रारब्ध पाई है, फिर वह दिखाना हिंसक बाण रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी राज्य में राजा रानी राम राजा का राम का वो था ना, तो क्योंकि वो 14 कला के थे, लेकिन वहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं थी। बच्चों को समझाना चाहिए, श्री बाबा इस द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, कलावती और लीलावती की, लेकिन वो कलावती लीलावती की कहानी नहीं, यहाँ नर से नारायण बनने की सत्य कथा, वो हमें अमरनाथ का जो कथा सुनाते हैं वह स्वयं ईश्वर नर से नारायण बनने की कथा, सत्य कथा सत्य पिता ही सुना सकते हैं। तो वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा, नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। सत्य नारायण की कथा का अर्थ है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, अमर कथा था 150 वर्ष की आयु में जाने वाला जो हमें बताते हैं राज, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं है। हाँ, लौकिक जीवन में भी अमर कथा सुनी है ना आपने, तो बाबा कहते हैं उसमें तो कोई अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं है, है ना। मृत्यु लोक को 2500 वर्ष चलता है, तीसरी की कथाएं माता सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, जिसे फिर हम समझ का तीसरा नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु, जिसमें मन बुद्धि के विमान में बैठ हम किसकी याद में रहते हैं, परमात्मा की परम धाम की याद में रहते हैं। तो आत्म अभिमानी बनना है इस शरीर द्वारा। अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है, मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा और आत्मा एक नहीं हो सकते, बच्चे और बाप एक नहीं हो सकते। परमात्मा की हम रचना हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मा रचता नहीं हो सकते। हमको शरीर है, परमात्मा को तो शरीर नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं, हमारे तो माता पिता हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं, परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है, इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे, अभी बाप समझाते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं, संशय बुद्धि विंशति, यह वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे, आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोटी बेलते अपने माशों को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे अभी फिर नर्कवासी हुए हैं। बाबा कहते हैं अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी हैं भारत में ही। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे, अभी तो यह वृद्धि को पाना है ना झाड़। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज, ये सहज याद और सहज वर्षा।
बाप का, परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान छूटे ग्रहण, अब कौन सा दान देना है जिससे हमारा ग्रहण छूटेगा? आत्मा में जो ग्रहण लगा है और ये पूरे विश्व में, पूरे संसार में लगा है, सिर्फ आत्मा को ही नहीं, पूरी दुनिया में ही यह ग्रहण लगा, तो पूरी दुनिया को ही यह दान देना है। ये तमो प्रधान का दान, ये विकारों का दान, अपनी स्वच्छता रखनी है तो ये विकारी रूपी दान देंगे, तब आप माँ का ग्रहण छूटेगा। हाँ, फिर चांद सितारों को, वो निर्जीव को कह दिया कि ग्रहण लगा है, हाँ? उनके लिए हम कहते हैं ना, दे दान तो आप बाहर आते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, तो यह दान देंगे तब हम आत्माएं सुखी बनेंगे, हाँ? ग्रहण छूटेगा। अभी भारत पर राहु का ग्रहण भी ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। बृहस्पति की दशा शुरू होगी आधे कल्प के लिए, जो सुखी रहते हैं। बाबा कहते हैं पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर होती है चक्र की दशा। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे। अब ये चक्र को समझना है। सूर्यवंशी तो संपूर्ण जो है संपूर्ण कलाओं में निपुण, 16 कलाओं में संपूर्ण होते हैं, एकदम गोरे सतो प्रधान सतयुग स्वर्ग में होते हैं। लेकिन फिर जब ये जो दशा होती है, जब हम चंद्रवंशी राज्य में राजा रानी महाराजा महारानी से राजा रानी के उसमें जाते हैं, त्रेता में, तो वहाँ पे क्या होता है, आत्माओं का चक्र शुरू हो जाता है, उनकी कलाएं कम हो जाती हैं, तो वो धीरे सूक्ष्म गति से नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो चक्र की दशा शुरू हो जाती है। बृहस्पति की दशा बाबा कहते, फिर चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है, सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है, यह दशा है वृक्षपति की, बीज रूप में जो विराजमान हम आत्माओं का परमात्मा है ना, बीज रूप में स्थित सर्वशक्तिमान, वह है वृक्षपति, आत्माओं का बीज रूप। वृक्ष रूट की जड़ जिसे कहते हैं, बीज कहते हैं जिसे, जिससे वृक्ष निकलता है, डाल डालियां निकलती हैं, तो वह बीज रूप में स्थित वृक्षपति, हम उनके संतान, तो वृक्ष की हम रचनाएं, डाल डालियां पत्तियां आत्माएं, तो वृक्षपति बाप आते हैं, तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है, तो बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। ध्यान से समझेंगे, ये नई बात आज मुरली में बाबा ने बताई है, हो सके तो आप पॉइंट नोट कर लें और इसको अच्छे से समझें। बृहस्पति राहु यह सब क्या है, बाबा आज हमें समझा रहे हैं। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है, तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है, सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो बस। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, वृक्षपति भगवान को शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, देह का अहंकार समाप्त हो जाए इसके लिए ही मेहनत करनी है। दूसरा बाबा ने कहा सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल रखो, रॉयल फैमिली में रॉयल्टी दिखती है ना, कपड़ों से, बात से, बोल से, एजुकेशन अनएजुकेटेड लोगों का पता चलता है ना कि ये शिक्षित है या अशिक्षित है, तो उनको बोल चाल का तरीका, तो मैनर्स रॉयल यहाँ होने हैं आत्मा के, दैवी गुण दातापन के, प्रेम के, है ना, तो इस तरह से अपने मैनर्स रॉयल हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कशिश होती है ना देवी देवताओं में, पवित्र होने की वजह से हाँ मूर्तियां तक अपनी ओर खींचती हैं, जबकि उसमें आत्मा नहीं है, वो जड़जड़ी भूत हैं, वो मूर्ति है मात्र, उनकी आत्मा नहीं है उसमें, फिर भी वो उसमें खींचने की कशिश होती है, क्योंकि उनमें प्यूरिटी होती है। तो वरदान है भोलेपन के साथ अलमाइटी
अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। बाबा ने अष्ट शक्तियाँ दी हैं, परखने की शक्ति दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है। कोई आपके साथ में किसी तरह का भी गलत तरीके से आपके भोलेपन का जो है फायदा ना उठा पाए, इसीलिए बाबा ने फिर इतनी सारी दुर्गा काली महाकाली लक्ष्मी सब दिया हुआ है ना, शीतला माता भयंकर रूप काली का रूप। तो कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है, सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ सामने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोला भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार करेगी, नतमस्तक होकर के दूर से ही प्रणाम करके चली जाएगी कि ये तो हमारे लायक नहीं है, कहीं कमजोर पर वार करेंगे। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। और दिल आत्मा से कनेक्शन है, आत्मा याद करती है, दिल तो यहाँ है, आत्मा का उससे कनेक्शन है। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आप जब याद में रहेंगे तभी तो फिर स्वरूप बन करके सामने वालों को उस तरह से बताएंगे, नहीं तो मुश्किल होगी। ओम शांति।